अभी हम लोग पहुँचे कलकत्ता, कोलकाता में ही है हम लोग, एक मतलब अच्छी डेस्टिनेशन पे। तो आगे हम लोग दिखाते जाएंगे आपको ये जगह कैसा है। ये जगह तो एयरपोर्ट के पास है ना, ये एकदम एयरपोर्ट के पास ही है, नज़दीकी है। ये देखो शेर बैठा हुआ है, आप लोगों को पीछे वाला नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ। सड़क पे साइकिल खड़ी करके चले जाएंगे। देखो कंडीशन ऐसा है कि इधर पे रास्ते पे कोई कुछ भी रख सकता है। देखिए साइकिल खड़ा करके चला गया मेन रोड के ऊपर। तो ये है एकदम एयरपोर्ट के नजदीक। तो ये येलो वाला जो टैक्सी है ना, ये आपको कलकत्ता में ही मिलेगा। कोलकाता में ये येलो वाला टैक्सी आपको दिखा देता हूँ, ये कोलकाता में ही आप लोगों को मिलेगा। और ये सब ऑटो भी आपको कोलकाता में मिलेगा, इसमें 5 सीटर ऑटो है ड्राइवर को छोड़ के। 2 दिन से थोड़ा बारिश हुआ था इधर पे, आज जाके थोड़ा धूप निकला है, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, मतलब पसीना नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रहा है। तो कोलकाता में तो ऐसे वैसे भी इतना ठंड नहीं पड़ता है कभी। ये रोड का नाम है जसो रोड, ठीक है, मतलब जसो रोड बना था बांग्ला में, जब बांग्ला बिहार उड़ीसा ये तीन मतलब जोन जब अलग अलग हुआ था तो ये वाला रोड बना था जसो रोड। तो ये जसो रोड बहुत ही फेमस जगह है और इतना खचाखच पहले भरा हुआ नहीं था, क्योंकि अभी होटल इंडस्ट्री जो है, हॉलीडे होम ये सब बन गया है रफ्ते के दौर। हम लोगों को इधर जाना है, इधर हम लोग जा रहे हैं अभी बारासात बोल के एक जगह पे। ये थोड़ा इंटीरियर है, थोड़ा अंदर है, लेकिन जसर रोड से ही जाना पड़ता है, दूसरा और कोई शॉर्टकट है नहीं। ये देखिए तो आप लोग खाली हो, ये कनेक्टिंग हो रहा है बेलफरिया, बेलफरिया एक्सप्रेस हाईवे की तरफ, जिसे आप लोग इधर पे आप लोग का नाम सुने ही होंगे, दक्षिणेश्वर। इधर का बहुत फेमस मंदिर है दक्षिणेश्वर टेम्पल। तो ये ब्रिज कनेक्टेड है, मतलब इससे आप जा सकते हो फ्लाई ओवर पकड़ बेलफरिया एक्सप्रेस हाईवे। इधर पे एक फेमस रोड के साइड पे एक फेमस रेस्टोरेंट है जिसको बोलते शेरे पंजाब, बहुत ही फेमस है। हम लोग गए थे इधर पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अच्छा लगा हम लोग, उसका माहौल बहुत अच्छा है, अंदर का जो एटमॉस्फियर था काफ़ी अच्छा था। आपको कैसा लगा था? बढ़िया था, अच्छा था। सबसे ज़्यादा स्पेशल था सरसों की रोटी और साग, इसका तड़का दाल बहुत अच्छा बनता है इधर पे, नॉर्थ इंडियन फूड बहुत फेमस। आपको पता था इसमें ये रोड नहीं पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। गाड़ी वाड़ी का शोरूम भी है, ये मध्यम ग्राम बोल के जगह है, ये देख सकते हो आप लोग। धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि साइड वाला स्पीड भी दिखाना है, थोड़ा धीमे स्पीड में ही हम चल रहे हैं और बीच बीच में ट्रैफिक अच्छा खासा ही है इसमें, पूरा सावधानी बरत के चलना पड़ रहा है। अपना छोटा गाड़ी है, छोटा स्कूटी है, तेज नहीं भाग रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको रेसिडेंशियल प्लेस ऑफिस ये सब दिखेगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे एयरपोर्ट है। ये वाला जो आप क्रॉस देख रहे हो ना दीवार के पीछे,
ये वाला जगह पे पेन दिखता है, हो सके तो आपको भी कैमरे में आ सकता है इससे। ये है रनवे, गाइस हम आए हैं कामाख्या माता के मंदिर में। यहाँ देखो दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे भीड़ देखो। अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए, काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत लोग हैं, मान्यता है बहुत बहुत लोग आते हैं। मैं भी 16 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। मैंने सुना था कि जो एक बार आता है वो दोबारा ज़रूर आता है, ये बात सच थी। तो अभी हम जा रहे हैं पास लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल है, जिसको डबल वैक्सीन है, कोविड RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट है, वही दर्शन कर सकता है। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, हमारे साथ हैं सलीम। कामाख्या माँ के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं, दर्शन के लिए आए हैं और हम पास लेने जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ है इधर, और यहाँ पे ये है भैया, ये है बलि घर। ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बंधे हुए हैं, इनकी बलि दी जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे स्पेशली टिकट काउंटर है, अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं आप यहाँ से 501 रुपये का टिकट लेके दर्शन करके जा सकते हैं।